दोस्तों अक्सर हमें हिंदी फ़ोन को लेके अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम इंटरनेट से कोई आ, आर्टिकल कॉपी करते हैं अपने एमएस वर्ड में तो वो ज़्यादातर ब्रैकेट्स में बदल जाता है और जब लोग टाइप करते हैं कुर्तदेव या देवलैस में और उसको इंटरनेट पर कॉपी या पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं देता है आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अवनी भरद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी फॉन्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसे आप इंटरनेट पर हिंदी फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से अगर आप कोई कंटेंट कॉपी या पेस्ट करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो कैसे आप उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा आपके बहुत काम आएगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में या और किसी सॉफ्टवेयर में कुर्तीदेव या देवल जैसे फॉन्ट में टाइप करते हैं जैसे हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं माई बी गेट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है तो ये जो सेंटेंस है ये मैंने कुर्तीदेव फॉन्ट में टाइप किया हुआ है लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कॉपी करके इंटरनेट पे कहीं पेस्ट करता हूं जैसे मैंने यहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सप्लोर खोला हुआ है और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट मैंने ओपन किया है आप गूगल सर्च बार में जैसे ही गूगल ट्रांसलेट ओपन करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैं अभी इसको लगा लेता हूँ हिंदी फॉन्ट में और यहाँ पर मैं उस फॉन्ट को पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये यह कुछ इस तरीके से आएगा और इंग्लिश में भी आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो अपने एम एस वर्ड में कुर्तदेव या देवलेस फॉन्ट में टाइप किए हुए मैटर को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट पे जाकर और वहाँ पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट उन्हें मिलता है अब ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में आती है और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि असल में जो आप कुर्तीदेव और देवलेस फॉन्ट में कुछ भी टाइप करते हैं वो असल में इंग्लिश में टाइप होता है कंप्यूटर की नजर में ये जो फॉन्ट हैं ये असल में इंग्लिश भाषा पर आधारित हैं अगर आप इसको यहां से सेलेक्ट करके और इंग्लिश फॉन्ट लगाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और यही दिखाई देता है आपको इंटरनेट पर अब इसको झोंका क्यों आप इंटरनेट पर ले जाकर कैसे पेस्ट कर सकते हैं मेरे पास कई सारे ईमेल आते हैं जो लोग कुर्तीदेव फ़ॉन्ट में टाइपिंग जानते हैं और वो कुर्तीदेव में सीधे टाइप करके और मेल कर देते हैं और वहाँ पर जाकर वो जो मेल है वो कुछ इस तरीके का खुलता है अब लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या टाइप किया है लेकिन जिस व्यक्ति ने वो भेजा होता है उसके लिए वो हिंदी में टाइप किया गया होता है तो इसको चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉन्ट कन्वर्टर की असल में आपको इंटरनेट पर जो भी हिंदी दिखाई देती है वो यूनिकोड फॉन्ट में टाइप की गई होती है और जो आप कुर्तिदेव और देवलैस फॉन्ट में टाइप करते हैं वो यूनिकोड नहीं होता है असल में वो इंग्लिश से जुगाड़ किया हुआ एक हिंदी फॉन्ट है जो कि आपको केवल आपके कंप्यूटर में हिंदी में दिखाई देता है अगर आप उसे इंटरनेट पर कॉपी या पेस्ट करेंगे तो वो आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में दिखाई देगा अब उस फॉन्ट को हम हिंदी में कैसे देख सकते हैं कैसे इंटरनेट पर उसे यूज़ कर सकते हैं ये हम समझ लेते हैं तो आपको इसके लिए एक बहुत छोटा सा समाधान है आपको जाना होगा एक वेबसाइट पर जिसका नाम है राजभाषा डॉट नेट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन यूनिकोड टू कृतिदेव का इस पर क्लिक कर दीजिए यहां पर आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे तो जो ऊपर वाला बॉक्स है वो यूनिकोड के लिए है और जो नीचे वाला बॉक्स है वो कुर्तदेव के लिए है अगर आपने अपने कंप्यूटर में कुर्तदेव फॉन्ट में कुछ भी टाइप किया है तो उस आ, मैटर को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ हमने ये जो मैटर है ये कुर्तदेव में टाइप किया हुआ है आप इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में आपको ये जो बटन है ये प्रेस करना है कुर्तदेव टू यूनिकोड और वो जो मैटर है अब का थो यूनिकोड फ़ॉन्ट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा अब ये जो मैटर है इसको आप कहीं भी इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ आप गूगल सर्च में जाएंगे आप यहाँ से गूगल ओपन कर लेते हैं और जब इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगा जबकि जो कुर्तिदेव वाला फॉन्ट है आप उसमें लिखे हुए मैटर को जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो आपको इंग्लिश में दिखाई देगा तो आशा है कि आपकी इस समस्या का समाधान हो गया होगा आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट पर जो भी हिंदी आपको दिखाई देती है वो असल में यूनिकोड फॉन्ट में टाइप की जाती है और यूनिकोड फॉन्ट बनाया ही इसलिए गया था कि आपको अपने कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना हो हिंदी फ़ॉन्ट में समस्या ये होती है कि जब तक आप अपने कंप्यूटर में, में कुर्तीदेव या देवलस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर हिंदी नहीं दिखाई देती है इस समस्या से बचने के लिए सभी जगह पूरी दुनिया में यूनिकोड फ़ॉन्ट को अप्लाई किया गया था जिसे आप आमतौर पर मंगल फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं जब आप मंगल फोट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है और इंटरनेट के पेज पर आपको मंगल फोन्ट बड़े आराम से दिखाई देगा साथ ही आप मंगल फोन्ट में अपने कंप्यूटर पर भी टाइप कर सकते हैं तो इसीलिए मंगल फोनट को बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज़ और कार्यालय में भी यूज़ किया जाता है तो मंगल फोन से आप बड़ी आसानी से इंटरनेट पर भी टाइप कर सकते हैं और साथ ही अपने कंप्यूटर में भी ऑफलाइन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी वेबसाइट डब्ल्यू को देखना ना भूलिए क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाला है ढेर सारी टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे जय हिंद वंदे मातरम